नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और अपना उत्तराखंड में आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस द्वारा देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएंगे और मंगलोर पूर्व विधायक काजी जिजामुद्दीन के कार्यालय में पहुंचे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र सिंह जाति ने संगठन की बैठक आयोजित कर उत्तराखंड में 26 जनवरी को शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वार्ता की है। कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रभारी याकूब सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल रही है और झबरेडा विधायक और जिला अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी है कि 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा और ये पूरी तरह से सफल हुई है। और इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदेश में भी आगामी 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस के विचारधारा के लोगों को जोड़ने का काम करेगी। अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट टू के रूप में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को आरंभ होने जा रही है और ध्वजारोहण के उपरांत हमारी यात्रा शुरू होगी। और यात्रा का उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति से त्रस्त हो चुके लोग, जिसमें बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी लोग हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मोटे अनाज को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खास पहचान दिलाने के लिए पहल शुरू की है और इसलिए सरकार राज्य में जगह जगह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तहत ईट राइट मिलेट मीलों का आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में मुनि के हिरेती के गढ़वाल मंडल विकास निगम में भी मेले का आयोजन किया गया और जिसमें पहाड़ के मोटे अनाज के प्रचार प्रसार से लेकर उनके स्वाद लोगों को चखाए गए है। मुनि के रेती के गढ़वाल मंडल विकास निगम परिसर में ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन किया गया है और जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को लेकर इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में ही घोषित किया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के मोटे अनाज को विदेशों में पहचान दिलाने का निर्णय लिया है। और इसलिए पीएम मोदी के निर्देश पर उत्तराखंड की सरकार अपने राज्य में होने वाले मोटे अनाज और उसमें भी मुख्य रूप से पहाड़ी उत्पादों को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है और इसलिए पूरे राज्य में अलग अलग स्थानों पर ईट राइट का मील का ही मेलों का आयोजन सरकार की ओर से किया जा रहा है और जिसमें आने वाले देशी विदेशी मेहमानों के मोटे अनाज की जानकारी दी जा रही है। मोटे अनाज के स्वाद को भी चखाने का काम किया जा रहा है जिसमें कि देश विदेश में उत्तराखंड के मोटे अनाज की डिमांड बढ़ सके। धन सिंह रावत ने यह भी बताया है कि इस साल उत्तराखंड के उत्पाद मांडवे को ही सरकार की ओर से सबसे ज्यादा 37.50 प्रति किलो की दर से प्रोत्साहित किया गया है जिसके राज्य काश्तकारों की इनकम में इजाफा हुआ है। मेले में उत्तराखंडी व्यंजनों के कई स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें बने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लोगों ने उठाया है। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष को उन्होंने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय किया है और हम भी अपने प्रदेश में आपने देखा होगा कि पहली बार हमने मंडवे का 37.5 रुपये जो है एक पर किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य घोषित किया है और पूरे प्रदेश में हमारा विभाग जो है 4-5 जिलों में मिलेट मेले लगा रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है ऋषिकेश और मुनि की रीति में, आप देख ही रहे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है।
सितारगंज में नगर पालिका परिषद सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मिड डे मील भोजन का आनंद लिया। उनका कहना था कि भोजन माताओं द्वारा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा भोजन बनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और साथ ही मैं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा मिड डे मील भोजन का बड़ी व्यवस्था के साथ अच्छी तरह से बच्चों को भोजन पका करके खिलाया जा रहा है। और वहीं उनका कहना था कि कुछ चावल की क्वालिटी निम्न है और जिसे सरकार और अच्छी क्वालिटी का चावल सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए भेजे और जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार भी कमी ना हो और बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके। उनके द्वारा भोजन भी अच्छे के लिए खाया गया है और भोजन की प्रशंसा की गई है। जीजीआईसी बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचा था, वहां पे समय था भोजन का और जो मिड डे मील द्वारा खाद्यान्न दिया जाता है। आज मैंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया, भोजन की गुणवत्ता जानने के लिए, और मैंने उसमें पाया कि जो भोजन माताओं ने भोजन बनाया था वो वाकई काबिले तारीफ़ है। इसके लिए मैं भोजन माता की तारीफ़ करता हूँ और बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन उसमें मैंने पाया कि जो चावल जो है उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ी निम्न स्तर की थी। वो क्वालिटी और बढ़ाई जाए, अच्छी क्वालिटी का दिया जाएगा तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इन दिनों पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटक ने क्षेत्र में ही हेली सेवा हेलीकॉप्टर ऊंची उड़ान भर रहा है, जिसके तहत यहां पर अब एयर सफारी से मसूरी सहित हिमालय के दर्शन हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। वहीं इन दिनों बर्फबारी देखने को भी आनंद जो है वो हेलीकॉप्टर से पर्यटक उठाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसका कोई जवाब नहीं है, जो यहाँ की खूबसूरती है वो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करती है। हेली सफारी के संचालक कैप्टन मनीष सैनी ने बताया है कि पहले मसूरी से मसूरी दर्शन और हिमालय दर्शन ट्रायल के तौर पर शुरू किया था और अब इस सेवा को विधिवत शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को दूसरे चरण में भी इसको लाया जाएगा और इसके साथ ही इसके लिए उत्तराखंड के कई सुंदर स्थलों में, जिसमें हार्शिक वैली, बंदरपुंछ आदि को भी देखा जाएगा। और जहां आज तक कोई नहीं जा सका, वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इन जगहों पर पर्यटकों को ब्रेकफास्ट या लंच करवाकर वापस लाया जाए। न्यूजीलैंड वर्ल्ड कैपिटल क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने इको टूरिज्म के नॉर्म्स को भी संभाला और खाली आप दुनिया में वहीं पे हेलीकॉप्टर से ग्लेशियर पे जा सकते हो। अलास्का, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड, इसके सिवा आप कहीं नहीं जा सकते। तो आप सीधा ग्लेशियर पे जाते हो, वहां उतरते हो, आप वहां पे ध्यान रखोगे कि कोई कचरा वहां ना डाले, जो चीजें वहां यूज हो रही है वो सारी इको फ्रेंडली हो, ठीक है। हेलीकॉप्टर कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहा, ठीक है। आप वहां पे पर्यटन को ले जाओ और जितना पर्यटन उस चीज को देखेगा उतना धीरे धीरे बच्चों के अंदर और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी कि ये हमारा धरोहर है और इसे हमें संभालना है। आखिरकार 9 सालों बाद चार धाम की रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति जल्द अपने मूल स्थान पर शिफ्ट हो जाएगी। मंदिर शिफ्टिंग को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए धारी देवी मंदिर के नए सिरे से रंग रोगन किया जा रहा है और साथ ही टूटी फूटी जगहों को ठीक किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद धारी देवी की मूर्ति नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होगी और मंदिर के पुजारी ने शिफ्टिंग के लिए 28 जनवरी का ही दिन तय किया है। पुजारी न्यास ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भी कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता दिया है और मंदिर के पुजारी ने बताया है कि सिद्धपीठ धारी देवी का ये मंदिर श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर अलकनंद नदी के किनारे मौजूद था। ऐसा है, इसमें हम सत्संडी का विधान करेंगे। सबसे पहले जगह का शुद्धिकरण किया जाएगा और 21 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पाठ किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। 24 तारीख से हमारा सत्चंडी का पाठ शुरू होगा, हालांकि 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो है बसंत पंचमी जो आती है, बसंत पंचमी दिन से हम लोग जो है सत्चंडी का आयोजन करेंगे और ठीक अष्टमी को, शनिवार को 28 तारीख को देवी को सुबह शुभ मुहूर्त में जो है स्थिर लगन में माँ को यहाँ विराजमान किया जाएगा। सब खराब हो गया था, ये टाइलें सब काली हो गई थी, इसमें जो हमारे पुजारी न्यास को जो भक्त लोग दान करते हैं उन्हीं के दान से 10-15 लाख रुपए हमने यहाँ लगाए हैं और बड़े भव्य तरीके से हम जो है इसका आयोजन करेंगे और 28 तारीख को जो माँ को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है 9:30 बजे करीब हमने अपील कर रखी भक्तों से, समाचार माध्यम से भी, समाचार के माध्यम से भी,
कि 28 तारीख को भक्तों के लिए जब देवी की आरती होगी उसके बाद ही दर्शन उनको करने का लाभ मिलेगा। जनपद भर में छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी के तहत ही नारायण बगड़ प्रखंड में स्थानीय जीआईसी के सभागार में भी प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा और चित्रकला प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन और गुरुजनों माता पिता का सम्मान और अपनी पढ़ाई में लगन की एक छात्र को ऊंचाई पर पहुँचाने की अहम भूमिका निभाते हैं और चित्रकला प्रतियोगिता में कुल 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में टॉप लाइन देने के लिए ही स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुति और पत्र स्मृति चिन्ह और एग्जाम वॉरियर्स बुक और भेंट कर सम्मानित किया गया और इसमें जीआईसी के क्लास 12वीं के छात्र आदित्य रावत प्रथम स्थान पर रहे। आज विकासखंड नारायण बगड़ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी, ज्येष्ठ प्रमुख जी, एसएमसी अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत आज यहाँ पे विकासखंड नारायण बगड़ के इंटर कॉलेज सभागार में बालिका नारायण बगड़ और रायका नारायण बगड़ के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें लगभग 50 बच्चों को यहाँ पे इसमें सेलेक्ट किया गया और प्रथम 10 बच्चों को यहाँ पे पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और किताबें, एग्जाम वॉरियर किताबें और उनको मोमेंटो दिया गया था। आज राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के सभागार में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ और बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के लगभग 130 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जिसमें प्रथम 50 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम 10 बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स बुक्स, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रेरित किया गया। GMIC नारायणबगड़ इंटर कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। सर, जो ये मुहिम सरकार द्वारा चली है, उस कला प्रतियोगिता मुहिम जो हमारे आज स्कूल में जिसका आयोजन हुआ, उसमें मैंने एक विषय लिया जिसका नाम था अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने। उसमें मैंने भगत सिंह का चित्र बनाया और इस कला प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मृत मिले युवक की मौत का राज लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुँचा दिया है। SSP श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर में मौजूद ग्राम सिगड्डी में ही नदी किनारे प्यारे लाल संदिग्ध परिस्थितियों में मरा मिला था और 16 जनवरी को मृतक के भाई चमन लाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक जाहिर किया था। गंभीर मामला होने की वजह से राजस्व पुलिस ने 19 जनवरी को यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया था और SSP श्वेता चौबे ने तत्काल ही मामले के खुलासे को लेकर लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद गुसाई को निर्देशित किया जिसके बाद पुलिस ने विक्रम सिंह को हरियाणा के जगाधरी से गिरफ्तार कर लिया। 16 तारीख को यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और चूंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रसी, पता रसी और सब लाइन्स के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगाधरी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में जल्दी ही एक नया थाना और वीरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारियां जनपद पुलिस ने तेज कर दी है। इन दोनों थाना चौकी क्षेत्र में 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की घोषणा करी है और इस घोषणा की अधिसूचना जारी होने के बाद पौड़ी के ही 418 गांव राजस्व से अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं और 148 गांव पुराने थानों के अधीन हैं। आपको बता दें कि जबकि 270 गांव के लिए यमकेश्वर में नया थाना और बिरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी जनपद पुलिस ने तेज कर दी है। फिलहाल थाना चौकी के लिए पूर्व से संचालित पटवारी चौकी के भवन को चिन्हित करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लगभग हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे द्वारा, हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्का बंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है और जो हल्का प्रभारी हैं उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया है। हमारी टीम जो है उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी विजिट कर ली है, संबंधित जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ऋषिकेश क्षेत्र में मोक्षदायिनी गंगा को प्रदूषण से निजात नहीं मिल पा रही है। जल निगम की लापरवाही के चलते त्रिणी घाट पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहुत, बता दें आपको, बहता हुआ दिखाई दिया है और सीवर का पानी सीधे गंगा में प्रभावित होने पर श्रद्धालु गुस्से में नजर आ रहे हैं। गंगा दर्शन और पूजन के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार गंगा स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर गंगा में सीवर जाने के हालात होंगे तो श्रद्धालु आखिर कैसे गंगा स्नान और आचमन कर पाएंगे। श्रद्धालु गोपाल गुप्ता, हरीश भट्ट, गोपाल नारंग ने बताया है कि इस तरह के हालात देखना सिर्फ उनकी बल्कि गंगा पूजन को पहुंचाने वाले हर श्रद्धालु की भावनाएं आहत हो रही हैं। जल निगम के सहायक अभियंता हरीश बंसल ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो होने की शिकायत मिलते ही तत्काल टीम को मौके पर भेजकर समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। अब सीवर का पानी सुचारू रूप से पंपिंग स्टेशन तक पहुंच रहा है जो कि ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं दूर दूर से और इस तरीके के सीवर लाइन का बहाव रहेगा, कोई भी साफ सफाई नहीं है, बड़ी ही दिक्कत है, लोगों के जूते भीग जाते हैं सर्दी में, बड़ी ही परेशानी हो रही है। मुझे ही देखिए, मेरे सारे जूते भीग गए। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, गंगा जी हमारी अशुद्ध हो रही है जिसको शुद्ध करने के लिए हमारे मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं गोपाल नारंग ने बताया है कि इस तरह के हालात देख न सिर्फ उनकी बल्कि गंगा पूजन को पहुंचाने वाले हर श्रद्धालु की भावनाएं आहत हो रही हैं। जल निगम के सहायक अभियंता हरीश बंसल ने भी कहा कि सीवर ओवरफ्लो होने की शिकायत मिलते ही तत्काल टीम को मौके पर भेजकर समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। अब सीवर का पानी सुचारू रूप से स्टेशन तक पहुँच रहा है। हरिद्वार जिला अधिकारी उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने और अवैध निर्माण को ढहाने और इसके साथ ही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है और उसी सिलसिले में शनिवार को भी अवैध निर्माण कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई की गई और हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों पर फिर गरजा है। आपको बता दें कि RDA का बुलडोजर यहां पर चला है और अवैध कॉलोनी धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में एक तरफ जहां भूमाफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं पर HRDA पीछे पीछे उन पर बुलडोजर चलाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तहसील नारायण बगड़ थराली के अंतर्गत कड़ा कोट पट्टी के रेस गांव के रहने वाले SSB प्रारक्षण प्राप्त गुरिल्ला भरपाल सिंह तहसील वार जारी SSB प्रारक्षण प्राप्त गुरिल्ला के ही सूची में नाम नहीं होने से मायूस हैं। हरपाल सिंह के अनुसार उन्होंने SSB गुरिल्ला
प्रक्षण प्राप्त किया है और इसको लेकर जिसका उनके पास प्रमाण पत्र भी मौजूद है लेकिन उनका नाम दर्ज होने से छूट गया है और अब वो एसएसबी निर्देशालय जिला और तहसील प्रशासन और इसके साथ ही एसएसबी परीक्षण प्राप्त गुरिल्ला कल्याण समिति से गुहार लगा रहे हैं उनका नाम गुरिल्ला सूची में दर्ज किया जाए। जाइडस कंपनी को खोलने के लिए ही इसको लेकर 1200 श्रमिकों की कार्य बहाली की मांग करते हुए कर्मचारियों ने जाइडस कंपनी गेट पर ही 219वें दिन की धरना जारी रखा है। पुलिस अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया है कि कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर जाइडस कर्मचारियों के साथ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कह दी है। आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री प्रबंधन सुनवाई नहीं कर रहा है जबकि राज्य सरकार भी बंदी को अवैध घोषित कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कंपनी में ना तो उत्पाद शुरू हुआ है और ना ही कोई उनकी कार्य बहाली नहीं हो पाई है। कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक के एस भगवान ने राम और माता सीता को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनके द्वारा कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम हर रोज माता सीता के साथ बैठकर शराब का सेवन करते थे। इस बयान के बाद लेखक के एस भगवान का हर तरफ विरोध हो रहा है। साधु संत भी इस बयान पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडेश्वर कैलाश आनंद गिरी का कहना है कि बिहार का शिक्षा मंत्री हो या महाशय जिनके द्वारा राम और सीता का विवादित बयान दिया गया है इनको साधु संन्यासियों के पास आकर ग्रंथों के बारे में शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह के लोग जितने भी पढ़े लिखे हो मगर ऐसे बयान से लगता है कि उनकी डिग्री भी फर्जी ही है। इनका कहना था कि भारत की अस्मिता और इसके साथ ही प्रभुता से मजाक नहीं करना चाहिए। देश की जनता ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों को हमेशा अपमान सहना करना पड़ता है और क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और राम गंगा यमुना और इसके साथ ही सरयू का जल साधु संत के चरणों के रज को पी सकते हैं मगर शराब का सेवन कभी नहीं कर सकते। राम के बारे में गलत सोचना भी नरक में जाने का महापाप है। कोतवाली ज्वालापुर में वसीम और राव पुत्र समीम को लेकर ही राव निवासी इब्राहिमपुर थाना पथरी हरिद्वार की लिखित तहरीर पर ही प्रतिवादी अब्दुल रजाक पुत्र शर्फ निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर हरिद्वार जो कि आपको बता दें कि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड मुस्लिम फंड और नामक संस्था पिछले 20 सालों से मेन रोड पर ही मोहल्ला हजवान ज्वालामुखी ज्वालापुर में चल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें जिसने वादी के ही 2.81 लाख के अतिरिक्त संस्थान में अन्य व्यक्तियों द्वारा ही जमा धन भी हड़प कर फरार हो जाने के संबंध में ही कोतवाली ज्वालापुर में आईपीएस की धाराओं 406 और 420 में पंजीकृत कर सरगर्मी से अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।